खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। की भेल तोरा साथ? हमरा लग सब दस्ते मार कर लेके निकल के लाते हम निकले तीर में दो मारे लगे जी के मार लग ककवा कक्कू के छिके वीरो सिंह के बेटा वीरो सिंह के छिके बेटा वीरो सिंह के छिके यहाँ कर यहाँ कोई नहीं भूतपूर्व मुखिया ने भूतपूर्व मुखिया पूर्व मुखिया के बेटा कक्कू कक्कू तो जा रो कहाँ रो तो मेरे यहाँ बड़का जा रही है घर घर तोरा घर कहाँ छो कुमरा बसा भवानीपुर बसा कुमर टोली भवानीपुर कई जगह मार लग तोरा हमरा पहले केवारी खोल के बाद कक्कू अपना की घर ढूंढ के तब घर मिले चल पूरा से करे नहीं के लिए कर रहे के तुम्हारे के स्कूल के कोना स्कूल के कोना की काल कौन तो लाठी में भर दे कने दे हम करे दे तीर में एक मारना शुरू कर दे कौन चीज मार लग हाथ लेके मार ले मथा मुका लप्पर ले लप्पर थप्पर मार लग तोरा ई पूछल कौन की तो कथी में वोट देबो तो कलो हम तीर में देबो तीर में देबो तो जब तो कलो तीर में देबे तो मारे लग तो लाठी में वोट दिया लाठी जमीन में देबो चीर के ले ले के सब तीन चैनल के कहाँ कहाँ चीर लग के दिखावा तो खड़ा जाओ फील्ड पर मार लखो ना दस हजार टकोर तोरा तोरो नाम की छो गजेंद्र साह गजेंद्र साह घर छुन भवानीपुर देखिए ये भवानीपुर वसा ग्राम पंचायत बरगांव अंतर्गत मध्य विद्यालय हाई स्कूल के बगल में इसका घर है और ये साधारण सा एक सौ परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और ये इधर से जा रहे थे अपने घर की ओर बरगों चौक से और जाते क्रम में इसको पूर्व मुखिया का बेटा बीरेंद्र सिंह का बेटा कक्कू कुमार सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह ये रास्ते से जा रहा था। वो अपने घर के आगे में इसको पूछा कि तुम किसको वोट दोगे तो ये बोला हम तीर का पार्टी हैं हम तीर में वोट देंगे। तू बोला जो तुम लालटे में काहे ने वोट देगा इसीलिए इसी के चलते इसको पूरा मारपीट लप्पड़ थप्पड़ और इसके जेबिया में 10,000 रुपया था वो भी छीन लिया। इसका हालत देखिए क्या हुआ पूरा इसका कमीज शर्ट फटा हुआ है और अभी जो है यहाँ पे सारे आदमी के बीच में ये रो रहा है और कहने के लिए आया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया एवं सरपंच के द्वारा यहाँ के थाना प्रभारी ओपी रतवारा को सूचित किया गया है। एक घंटा से ऊपर होने चला है उसका कोई रिस्पॉन्स और जवाबदेही नहीं ले रहा है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा अगले पदाधिकारी से कि यदि कल के चुनाव की स्थिति को देखते हुए आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है यहाँ पे शांति कायम करने के लिए बढ़िया पदाधिकारी इसका छानबीन करते हुए जो दोषी है उसको उचित कार्रवाई करें ताकि कल आगे की ये जो चुनाव है 7 तारीख को वह यहाँ बरगों मध्य विद्यालय में शांतिपूर्ण हो सके। मैं आग्रह करूंगा आगे के पदाधिकारी से कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो यह पार्टी है जो यह गजेंद्र साह है इसको जांच प्रतिवेदन में लेते हुए इससे आके स्पष्टीकरण पूछें और पूछते हुए सही क्या स्थल जांच करते हुए आगे जो चुनाव प्रतिक्रिया है उसको शांति बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई अविलंब करें अन्यथा यहाँ पे शांति भंग होने की स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा आगे बड़े पदाधिकारी से कि इस पे रिस्पॉन्स लेते हुए इसका छानबीन करते हुए शांति कायम रखने के लिए इसको अपने स्तर से जांच करें।